हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं भाई कि आपके जो गूगल एडसेंस अकाउंट होता है, अगर उसमें आपके $10 से कम है या फिर ज़्यादा है, क्या हम उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे आपको, अगर $10 से ऊपर है तो आप कैसे अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं अपना एक गूगल एडसेंस का मेरा एक अकाउंट है जो कि काफ़ी पुराना है, मैंने यूज नहीं करता हूँ इसको, उस पर कुछ डॉलर पड़े हुए हैं वो आपको मैं शो कर देता हूँ एज ए प्रूफ के तौर पर, आपको बता दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना गूगल एडसेंस का अकाउंट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा एक गूगल एडसेंस का अकाउंट है। ये चूंकि मेरे इस पे अकाउंट पर ना क्या हुआ था कि मेरे इस पे अकाउंट पर एड्स लिमिट लग गया था, तो उस वजह से मैंने इसमें सारी वेबसाइट थी वो रिमूव कर दी। ये मुझे वेबसाइट पर लगा था ना, तो इसमें एक भी वेबसाइट ऐड थी तो मैंने वो सारी रिमूव कर दी थी। उसके बाद मैंने न्यू अकाउंट क्रिएट किया था, उस पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया था, उसके बाद उस पर गूगल एडसेंस के एड्स लगाए थे। तो इसमें क्या हुआ था कि मेरे $8 है, क्या मैं इसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ कि नहीं। तो आप देख सकते हैं इसमें $8 है, इसको व्यू पेमेंट पर क्लिक कर लेते हैं, जिससे कि आपको ये नहीं लगे कि मैं स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूँ। तो इसमें लोड होने देते हैं थोड़ा, तो जैसे ही आपके $8 होते हैं, 10 से कम है, तो आप उसको बैंक अकाउंट में भाई नहीं ले सकते। ये आपने पहले भी यूट्यूब पर जो वीडियो होंगे उस पर देखा होगा, वही नहीं ले सकते। उसका रीज़न ये है कि आपका जो अकाउंट है उसमें गूगल एडसेंस को जो पिन भेजता है वो पिन वेरीफाई नहीं होता है। जिस अकाउंट का पिन वेरीफाई होगा उसी के आदमी आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा इसमें 8.17 USD जो है इसमें पड़े हुए हैं, जो कि काफ़ी समय से पड़े हुए हैं। अगर मैं इसमें कोई न्यू वेबसाइट ऐड करूँगा, गूगल एडसेंस का अप्रूवल लूँगा उसको, उसमें अगर रेवेन्यू होता है तो इसमें इंक्रीज रेवेन्यू पड़ेगा। तो या तो मैं ये कर सकता हूँ या फिर क्या कर सकता हूँ, इस अकाउंट को क्लोज कर सकता हूँ। क्लोज करूँगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं यही करूँगा कि इसमें क्या करूँगा, मैं एक न्यू साइट बनाऊंगा, उस पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल लूंगा, और फिर इसमें जो रेवेन्यू उसका उस वेबसाइट का जो रेवेन्यू उसमें इंक्रीज होगा तो यहाँ पे भी इंक्रीज होगा। उसके बाद मैं इससे पेमेंट रिसीव कर सकता हूँ गाइस, ठीक है। अगर आपको पेमेंट अगर $10 से ऊपर है तो उसको आप कैसे ले सकते हो, उसका एक उसमें जो गूगल एडसेंस वाले आपको जो पिन भेजते हैं पोस्ट ऑफिस से, उसमें एक कोड होता है, वो कोड को आपको गूगल एडसेंस अकाउंट में डालना पड़ेगा। तो जब आप उस कोड को डाल दो, उसके बाद जो आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट है वो फुल्ली वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो उसके बाद क्या है कि आप उसको अपना बैंक डिटेल एंटर करोगे, ऐड करोगे, तो फिर इजीली आपका जो पेमेंट है अगर $10 से ऊपर है तो आपका, अगर आपके अकाउंट आप उसको कैंसिल करते हो तो भी आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यही कि आप उसमें अगर आपके गूगल एडसेंस के अकाउंट में एड्स में लग गई है और चाहते हो आप कि मुझे उसके अकाउंट को कैंसिल करना है, तो उसके लिए आपको पहले वेरीफाई कराना पड़ेगा, अकाउंट पिन से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप बैंक अकाउंट की डिटेल ऐड करेंगे, उसके बाद ही आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, वरना आप पेमेंट नहीं ले सकते। अगर आपकी 9.99 USD भी है तो भी आप उसका पेमेंट नहीं ले सकते भाई, यही गूगल एडसेंस की खासियत है। अगर आपको 10.01 भी अगर डॉलर है तो उसको आप रिसीव कर सकते हो गूगल एडसेंस से, ठीक है। तो यही छोटा सा वीडियो था, मैंने शॉर्ट वीडियो बनाने की सोचा था, लेकिन बट मुझे इसमें थोड़ा 3 मिनट का वीडियो हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे गूगल एडसेंस से $10 या फिर उससे कम पेमेंट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो मैंने जो अपना एक्सपीरियंस है, मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ है, तो वही मैंने आपको बताया था। मैंने एक बार इसमें एक बार $33 का पेमेंट भी लिया हुआ था, जो कि $100 से भी कम था। उसमें यही होता है कि आप गूगल एडसेंस अकाउंट को अगर कैंसिल कर दोगे तभी आप ले सकते हो, वैसे नहीं ले सकते हो गाइस। तो ठीक है गाइस, और इस बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 1000 सब्सक्राइब मुझे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने, ताकि मेरा चैनल, ये वाला जो चैनल मेरा है, ये मोनेटाइज हो जाए, ठीक है गाइस। तो यूट्यूब पर मैं इतना एक्टिव रहता नहीं हूँ क्योंकि मैं वेबसाइट पे ज़्यादा वर्क करता हूँ, इसीलिए, क्योंकि यूट्यूब में अब इस पर कंटिन्यू वीडियो डालूंगा तो थोड़ा एक्टिव रहेंगे, तो हो सकता है कि चैनल भी जल्दी से, अगर आप लोगों को सपोर्ट रहा तो मोनेटाइज हो जाएगा गाइस। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय।